राम राम दोस्तों, आइए इस शानदार ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गांव में कुछ रीति रिवाज के साथ किए जाने वाले पूजा। तो अभी बजे तो सुबह के 4, हमार बहनिया खीरा खाए खाती हो गई है तैयार। मेरी दोनों बहनें सुबह के 3 बजे से उठ के खाने पीने पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही थी। पता है क्यों? क्योंकि आज सुबेर से लेकर रात तक हमनी के ना खाना मिली ना पानी एक बात बताऊं आपको, मेरी छोटी वाली बहन कहती है कि छोट प्लेट में खैला से लोग के ई लगे कि हमनी के बहुत कम खानी सुन। उसकी ये वाली बात खत्म हुई नहीं कि मेरी बड़ी वाली बहन कहती है कि हम तो बिना प्लेटे के खा लेम, लोग के बुझाई कि हम खाने ना खानी। जब बात हो मेरे घर में लड़कियों की तो ये कैसे पीछे रहेंगी। तो सुबह के 3 बजे उठ के ये हमारे साथ केला खाने लगी। तो ये देखिए, इतना छोटा बच्चा को भी पता है कि उसकी फुआ उसको खिलाने वाली नहीं है, इसलिए वो दूसरा केला उठा के छिलका के साथ ही खाने लगी। दादी कहे नी कि भिनसहारा उठ के जो खाना खाई जला ओकरा के कहल जला सरगही। सुबह का खाना खा के हम लोग सोने चले गए। उसके बाद मेरी नींद खुलती है दिन के 8 बजे। तो आप मिलिए इनसे जो 1 साल की भी नहीं हुई है और इनकी ड्रामे इस कदर है। जिसने भी कहा है ना कि सच में लड़कियां ड्रामेबाज होती है, उसने 100% सही कहा। तो इसका साक्ष्य आपके सामने मौजूद है। फिर मैं अपने भैया और मोछ वाला दादाजी के साथ चली गई थी मार्केट, क्योंकि शाम को होने वाला था पूजा, जिसके लिए कुछ पूजा की सामग्री और मिठाइयां ले। तो फाइनली अब बच चुका है शाम का 5, तो हम लोग नहा धोवा के घर के बाहर पूजा करने के लिए आ गए। यहाँ पे मेरी गाँव की कुछ दोस्त और पंडित जी भी आए थे पूजा कराने के लिए। इस पूजा में भगवान शिव पार्वती पहाड़ और गौ माता की प्रतिमा गोबर से बनाई जाती है। यहाँ पे पंडित जी ने आम के पल्लों से एक रिंग बना के सबके हाथों में पहनने के लिए दिया। तनी सोची कितना बढ़िया रहे पंडित जी कहोगे सोना के रिंग बांट देती। तो हमार चाचा जी कहे नहीं कि लड़की सन के मुंह के सामने शीशा और कैमरा चल जाओ तो खाली पेटे मुस्कुराई है सन। सबसे पहले मैं आपको इस व्रत के बारे में बता दूं, ये व्रत अपने भाई की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत में सुबह से लेकर रात तक कुछ खाना पीना नहीं होता है। एगो बात बताएं, नयो कपड़ा भी खरीदाता है। हाई जन छोटकी छोटकी लड़कियों को आप देख रहे हैं ना, ये सब भी नया कपड़ा खरीदवाने के लिए सुबह से लेकर रात तक भूखे रह जाती है। तो यहाँ पे पंडित जी भकवेले भकवेले पूजा तो खत्म कर दिए, अब बारी आती है आरती। तो आइए आप सबको एक मजेदार चीज दिखाते हैं। तो हमारा बहनिया से पूछिएगा कि रील कौना कौना एंगल से शूट कर लेला, तो उसको सब कुछ पता होगा। लेकिन भगवान जी की आरती कौना साइड से उतारा लेला ओकरा इहो नहीं के पता। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे सुंदर सुंदर लड़कियों को देख के उनको फॉलो कर रहे हैं ना, तो देख लीजिए आपके भी मेहरारू का इसने हाल होगा। इसीलिए कहा जाता है सूरत से नहीं गुण से प्यार किया जाता है। ये ज्ञान की बात नहीं है, जनहित में जारी है दोस्तों। तो फाइनली हम लोग जयकारा लगाते हुए पूजा को करते हैं समाप्त। भर दिन ना खाए हैं ना पिए हैं, अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि एगो पोखरा का पानी पूरा सोख जाए। पूरी सेवाई को देखी नहीं कि मेरी बहन अपना टांग पसार के पटाख से खाने पे धावा बोल देती है। तो आप देख रहे हैं ना इसको कैमरा में कितना स्टाइल मारने आता है। भूख से तो दिमाग पंचर हो गया है, तो पहले खा लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। आप लोग इनके खाने का स्टाइल देख के समझ ही गए होंगे कि सुबह से शाम तक भूखे रहने का नतीजा क्या होता है। तो खाना खाने के बाद अगले सुबह हम लोग जाते हैं भगवान जी का विसर्जन करने। सुबह नहा धोवा के अपने थोबड़ा पे 4 किलो मेकअप पोत के हम लोग निकल जाते हैं घाट पे। वहाँ पहुँचने के बाद मंदिर में मैं ध्यान लगा के पूजा करने लगी। वैसे मेरी बहन मुझे भी ना बताई ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। फिर मैं सोची कि ये भी वीडियो ब्लॉग में डाली दूं और आप सभी को दिखा दूं कि मैं कितना ध्यान से पूजा करती हूं। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर से भूजा और अचार लेके आते हैं और फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एकरा के हमारा गाँव वाला भाषा में कहा जाला कि भूजा मिलावे गई रहो। तो आइए सुबह का असली नजाकत तो अब देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे 3-3 DJ था, अब DJ का प्रोग्राम भी देखे। आपको कैसा लगा मेरा आज का शानदार ब्लॉग, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।